श्री ओम बिरला, आज केंद्रीय सड़क नीति अधिनियम 2017 बिल पेश किया गया है। माननीय सभापति महोदय, केंद्रीय सड़क नीति अधिनियम 2000 जब पारित किया गया था, जब देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, और उस समय आजादी के इतने वर्षों के बाद भी इस देश के गांव सड़कों से महरूम थे, गांव में सड़कें नहीं थी, हिंदुस्तान विकास तो हो रहा था लेकिन गांव विकास के नाम पर अधूरा था। उस समय महाराष्ट्र में माननीय नितिन गडकरी जी पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, जिन्होंने बंबई पुणे का हाईवे बनाया, और जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री गडक सड़क योजना का जो ढांचा तैयार किया था, उसकी कमेटी के में भी माननीय गडकरी साहब थे, और 2000 के अंदर इस बिल के माध्यम से देश के अंदर सड़कों का जाल फैला। आज हम 2017 के अंदर एक नया अधिनियम ला रहे हैं। यह अधिनियम इस देश के अंदर एक नए युग की शुरुआत करेगा। हमारे माननीय सदस्य राजीव प्रताप रूडी जी ने जिस तरीके से बताया कि हमारी सभ्यता और संस्कृति, हमारे आवागमन के साधन, हमारी उत्पत्ति सब जल मार्गों से हुई है, जल के आसपास हुई है, और इतने वर्षों के बाद एक विजन के आधार पर 2017 में जब इस देश के अंदर हम देखते हैं कि रोजाना जिस तरीके से हाईवेज, रेल में आवागमन के साधनों के कारण, इतने रोड कनेक्टिविटी बेटर होने के कारण भी आज मैं कह सकता हूं कि रोड कनेक्टिविटी के बारे में भी हमारी सरकार ने जहां पर 3 किलोमीटर रोड हर रोज बनता था, हमारी सरकार आने के बाद 14 किलोमीटर रोड रोज बनता है। हमने भारतमाला के माध्यम से 25,000 किलोमीटर सड़कें बनाकर 7 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है। इतना ही नहीं, 3 वर्ष के अंदर 5 लाख करोड़ के एनएचआई के काम शुरू करने का काम इस सरकार ने किया है। हमने सीआरएफ में राज्य सड़कों के माध्यम से 25,000 करोड़ दिए हैं, और पहला बार इस देश के अंदर 550 डिस्ट्रिक्ट को एनएचआई से जोड़ने का काम किया है। तो देश में माननीय नितिन गडकरी जी ने कहा है कि सारे देश के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है उनको एनएचआई की कनेक्टिविटी देने का काम किया है, और उन एनएचआई के अंदर जहां 2 लाइन थी, भारतमाला के माध्यम से 4 लाइन करने का काम किया है। लेकिन इस सब के बावजूद भी इस देश के अंदर जिस तरीके से हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे और रेल पर बढ़न बढ़ रहा है, हम सारे विश्व की जब चर्चा करते हैं तो हमें लगता है कि चीन और यूएस से भी बड़े जलमार्ग हिंदुस्तान में होने के बाद भी हम जलमार्ग से ट्रांसपोर्टेशन का काम केवल 0.5% कर पा रहे हैं, जबकि चीन, यूएस हमसे कहीं ज्यादा जलमार्गों से ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं। और इसीलिए
इस बिल में एक छोटा सा संशोधन धारा 9A के अंदर हमने एक्सप्रेसवे राष्ट्रीय जलमार्ग को डालने का काम किया। धारा 9B के अंदर हमने राष्ट्रीय राजमार्ग की जगह राष्ट्रीय जलमार्ग डाला ताकि हमारे हमने कोई नया सेस नहीं लगाया, नया टैक्स भी नहीं लगाया। हमने उसी टैक्स और उसी रेवेन्यू से एक देश के अंदर नए जलमार्ग को डेवलप करने का काम किया है जो इस देश में अपने आप बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय सभापति महोदय, ये बात सही है कि जिस तरीके से इस देश के अंदर दुर्घटनाएं बढ़ रही है, रोड पर करोड़ का मेंटेनेंस का खर्चा हो रहा है, हमें नए विकल्प की तलाश करनी होगी और नए विकल्प, ऐसा विकल्प जिसके माध्यम से हम नए भारत के निर्माण की जो बात करते हैं, उस नए भारत के उदय का रास्ता इस आज के बिल पास होने से बनेगा। इस बिल के पास होने के बाद माननीय सभापति महोदय, हम इस देश के अंदर 14,500 किलोमीटर, जिसमें 5,200 किलोमीटर नदी और 4,000 किलोमीटर नहरों को हम डेवलप करने का काम करेंगे। और इसलिए सभापति महोदय, 2016 के अंदर राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम के अंदर हमने 111 जलमार्ग बनाए हैं, जबकि आजादी से लेकर अभी तक 2015 तक केवल 5 जलमार्ग थे। नोटिफिकेशन किया है, अब बनेंगे उनको। जो सपना हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे, गडकरी साहब सपना बहुत दिखाते हैं, और आज हिंदुस्तान में मैं कह सकता हूं माननीय गडकरी साहब ने इसी संसद के अंदर कहा था कि हम इस देश के अंदर पानी में हवाई जहाज उतारेंगे। माननीय सदस्य महोदय, ये सपना नहीं दिखाते, ये देश के ऐसे मंत्री हैं जो जो सदन और सदन के बाहर कहते हैं, वो इसी वर्ष जिस तरीके से शिलान्यास करते हैं, लोकार्पण भी करते हैं, उसी तरीके से उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के अंदर हवाई जहाज पानी में उतरे होंगे। और आपने देखा होगा कि कोई नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी उस जहाज के अंदर पानी में उतरे हैं। कोई सपना ऐसा नहीं है माननीय गडकरी साहब ने जो बताया हो, एक सपना और एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, संसद के अंदर जिस कमिटमेंट के आधार पर माननीय गडकरी जी फैसला करते हैं, निर्णय करते हैं, देश की संसद और भारत का 125 करोड़ जानता है गडकरी के फैसले और निर्णय को, आज सारा देश जानता है। इसलिए माननीय सभापति महोदय, हमने बहुत कम पैसा डेवलप किया है, हमने सभापति महोदय बहुत कम पैसा, केवल 2000 करोड़ रुपया, 2.5 पैसा इसके निधि के लिए डेवलप किया है। और हमारी कोशिश है कि हम इन जलमार्गों को बेहतर तरीके से डेवलप कर सकें। माननीय सभापति महोदय, जलमार्ग डेवलप होने के बहुत लाभ है। हम जहां पर न्यूनतम ईंधन से हम यहां पर कर पाएंगे, अन्य अपेक्षित भूमि की कम आवश्यकता पड़ेगी। हमारे माननीय सदस्य ने सब बताया, मेरा इतना ही कहना है। माननीय सभापति महोदय, हमारी पार्टी का टाइम बहुत है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस जलमार्ग डेवलप होने से भारत में जहां आर्थिक रूप से परिवर्तन होगा, वहां पर गांव खलिहान में बसे, नदी के किनारे बसे वो लोग जिनको रोजगार नहीं मिलता है, पर्यटन डेवलप होगा, रोजगार के नए अवसर होंगे। जलमार्ग डेवलप होगा, रोजगार के नए अवसर होंगे, दुर्घटनाएं कम होगी, हमें मार्ग के डेवलपमेंट मेंटेनेंस के लिए कम खर्चा करना पड़ेगा और यातायात को सुगम और बेहतर बना पाएंगे। माननीय सभापति महोदय, इतना ही नहीं, हमने कहा था इसी संसद के अंदर कि हम
गंगा के अंदर बेहतर तरीके से जलमार्ग डेवलप करने का काम करेंगे। और आज 5000 करोड़ की लागत से मल्टी मॉडल हब बनाने का काम हमने वाराणसी हल्दिया साहिबगंज में किया है, जहां पर रोड कनेक्टिविटी होगी, जहां पर रेल कनेक्टिविटी होगी और जलमार्ग भी कनेक्टिविटी होगी। इसलिए सभापति महोदय, ये बिल अपने आप में इस देश के अंदर एक नए उदय का मार्ग डेवलप करेगा और नए उदय के मार्ग के साथ हम भारत के अंदर ये चाहते हैं कि हमें अगर रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी को बेटर बनाया तो हम जल मार्ग को भी कनेक्टिविटी बनाएंगे। मेरा माननीय मंत्री महोदय से इतना आग्रह कि कोटा के अंदर हमारी चंबल नदी है और चंबल नदी बारामसी नदी है, मैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि 111 में नोटिफिकेशन किया है, चंबल नदी को ही नोटिफिकेशन करें और कोटा में भी जहाज चंबल की नदी पे उतारे। ये माननीय मंत्री महोदय से मैं आग्रह है, मैं इस बिल के समर्थन में और कहता हूं कि आर्थिक युग में नए परिवर्तन की शुरुआत करेगा यह बिल। बहुत बहुत धन्यवाद।